नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करके इसे लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। एक्सीडेंट के डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। स्कॉडा स्लाविया रिसेंटली लॉन्च स्कॉडा की एक काफ़ी स्टाइलिश और मजबूत सेडान है। इस कार का चैनल पर कुछ टाइम पहले XUV700 से एक्सीडेंट शेयर किया गया था, पर वो शायद इस कार का पहला एक्सीडेंट नहीं था। उस एक्सीडेंट को शेयर करने के बाद चैनल पर कुछ पिक्चर शेयर करी गई जो स्कॉडा स्लाविया की मजबूती के साथ स्कॉडा की फास्ट और एक अच्छी सर्विस के बारे में बताता है। स्कॉडा की कार आज से नहीं बल्कि काफ़ी पहले से अपनी मजबूती के लिए जानी जाती हैं और स्लाविया की मजबूती इस एक्सीडेंट में बखूबी दिखाई देती है। ये पिक्चर्स मिस्टर विनय ने मेरे इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करी थी और डिटेल्स दिए थे। आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सीडेंट की डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। एज पर मिस्टर विनय, ये स्कॉडा स्लाविया का पहला मेजर एक्सीडेंट था। मिस्टर विनय ने 9 मार्च को स्कॉडा स्लाविया स्टाइल की डिलीवरी ली थी और 16 मार्च को दो लोग के साथ वो अपनी स्लाविया में बिजनेस ट्रिप पर गए थे और हाईवे पर करीब 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहे थे। सामने से अचानक एक बुल के आने के कारण मिस्टर विनय टाइमली ब्रेक अप्लाई नहीं कर पाते हैं, एस एक तरफ से यहाँ बाइक थी और दूसरी तरफ से बस, और ब्रेक अप्लाई करते करते स्लाविया की टक्कर पुल से हो जाती है। स्लाविया में मिस्टर विनय को ज़्यादा फील नहीं होता है कि टक्कर पुल से हुई है और ना ही गाड़ी के एयरबैग्स खुलते हैं। यहाँ काफ़ी हाई स्पीड पर इंपैक्ट हुआ था और इतनी स्पीड में इंपैक्ट होने के बाद भी कार की चेसी या इंजन तक कोई भी इंपैक्ट नहीं पहुँचा। केवल बोनेट, फ्रंट बम्पर, फेंडर और हेडलाइट्स यहाँ डैमेज हुए। पिक्चर्स में आप स्लाविया में हुई डैमेजेस देख सकते हैं। 17th को होली की छुट्टी होने के बावजूद डीलर ने यहाँ फ़ोन पर डैमेजेस की जानकारी ले ली और पार्ट्स मंगवा लिए और 21st को मिस्टर विनय अपनी कार डीलरशिप में लेकर गए। 8 दिन में सारी गाड़ी के पार्ट्स चेंज करके उन्हें दे दिए गए, जिसमें कोई भी डेंटिंग पेंटिंग का काम नहीं किया गया पर पूरे पार्ट्स ही चेंज कर दिए गए। सो इस एक्सीडेंट के बाद मिस्टर विनय स्कॉडा स्लाविया के बिल्ड क्वालिटी और डीलरशिप दोनों से ही काफ़ी खुश थे। और स्लाविया में हाई स्पीड पर बुल से टकराने के बाद आप डैमेजेस भी देख सकते हैं, काफ़ी कम थी। सो एक सेफ कार बहुत ज़रूरी है, साथ ही हाईवेज पर भी 90 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर चलना एक सही डिसीजन है, एज इंडिया में हाईवेज एक्सप्रेसवे पर भी अचानक से सामने से कुछ भी आ सकता है और कुछ भी हो सकता है। सो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें ताकि लोग एक सेफ कार और सेफ ड्राइविंग की इंपॉर्टेंस समझ सकें। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।